दोस्तों एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सफेद बालों के लिए दो नुस्खे बताने वाले हैं। सफेद बालों को काला करने के दो नुस्खे बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे, यानी कि कुछ ऐसे परहेज बताएंगे जिन्हें अगर आप करते हैं तो सफेद बाल दोस्तों काले हो सकते हैं। यानी कि सफेद बालों का सटीक उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सफेद बाल होते क्यों है। दोस्तों बालों का रंग दो प्रकार के मेलेनिन से मिलकर बनता है, जिसमें पहला होता है यूमेलेनिन और दूसरा होता है फेमेलेनिन। ज्यादातर लोगों के 35 साल की उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों के अनुवांशिक कारण हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे कारणों से हमारे बाल जो होते हैं वो समय से पहले यानी कि उम्र से पहले सफेद दिखने लगते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सफेद बाल दिखना आम समस्या होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय दोस्तों, आप इसके लिए प्रयोग करें नारियल का तेल और नींबू। जी हाँ दोस्तों, एक कटोरे में दोस्तों 2 चम्मच आप नींबू का रस मिलाएं और आधा कप दोस्तों इसमें आप नारियल का तेल मिला दें और अच्छा सा इसका मिश्रण बना लें। अब मिश्रण को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। 2 घंटे बाद आप बालों को धो लें। बालों को ये नुस्खा जो होता है ये प्राकृतिक रंग देता है। ये प्रयोग आपको केवल हफ्ते में 2 बार करना है। अगर 1 महीना ये प्रयोग करते हैं तो सफेद बाल जड़ों से काले होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप रोजमेरी का प्रयोग कर सकते हैं और सेज का उपयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, 1 पैन में 2 कप पानी लें और उसमें सूखे रोजमेरी और सूखे सेज जो होते हैं उनको मिलाएं। कुछ मिनट के लिए उस पानी को आप उबलने के लिए छोड़ दें। अब गैस को आप बंद कर दें और 2 घंटे के लिए उस पानी को आप ऐसे ही छोड़ दें। फिर इस मिश्रण को आप छान लें। अब ये पानी जो है इससे आपको अपने बालों को धोना है। 15 से 20 मिनट तक इसे अपने बालों में लगाकर ऐसे ही रहने दें। उसके बाद साफ पानी से आप बालों को धो लें। हफ्ते में केवल ये प्रयोग आपको 1 बार करना है। अगर ये दोनों प्रयोग आप करते हैं तो लगभग 1 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको मिलता है। उसी के साथ आप आंवले के चूर्ण का सेवन जरूर करें। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।